यही राज ठाकरे थे आज के कुछ साल पहले, यही उत्तर भारतीयों को यहाँ से मार मार के भेजते थे। हाँ, खुमचे वाले छोटे छोटे धंधे वाले को उनको मार मार के भेजे, और एकाएक प्रेम इतना तेज प्रेम क्या आ गया कि अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, ठीक है। नेताओं का स्टैंड है, उससे पब्लिक को क्या लेना देना है, नेता अपने हिसाब से बोलते हैं। ये सब राजनीतिक स्टैंड है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, उनको जाना चाहिए अयोध्या, और अयोध्या वासियों को उनके स्वागत में भी आना चाहिए। जा रहे हैं अयोध्या तो गलत नहीं है, मगर हाँ ठीक है, अगर माफ़ी नहीं मांग रहे फिर भी यूपी के लोग उनका सम्मान करेंगे। धर्म स्थल पर जाने के लिए किसी के परमिशन नहीं लेनी चाहिए, और वहां जाने वाले किसी को कतई विरोध नहीं करना चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पहले महाराष्ट्र सरकार को लाउडस्पीकर पर घेरा, अब हिंदुत्व को धार देने के लिए अयोध्या में डालेंगे डेरा। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भड़क गई बीजेपी। आपको बता दें, मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। वो वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। इन सब के बीच यूपी से बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि पहले मनसे प्रमुख उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अयोध्या में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। क्या वाकई में उत्तर भारतीय मनसे प्रमुख से माफ़ी चाहते हैं या नहीं? क्या वो सांसद को समर्थन करते हैं उनके ट्वीट को लेकर? चलिए हम जानते हैं आखिर उत्तर भारतीयों का क्या कहना है। बीजेपी से सांसद बृजभूषण सिंह ने चेतावनी दी है राज ठाकरे को कि वो पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तभी अयोध्या में पधारे, क्या कहना है इस विषय को लेकर? बिल्कुल, बृजभूषण सिंह ने जो बोला है मैं उनका समर्थन करता हूँ, और यकीनन जो है यही राज ठाकरे थे आज के कुछ साल पहले, यही उत्तर भारतीयों को यहाँ से मार मार के भेजते थे। हाँ, खुमचे वाले छोटे छोटे धंधे वाले को उनको मार मार के भेजे, और एकाएक प्रेम इतना तेज प्रेम क्या आ गया कि अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, ठीक है, ये तो अयोध्या जाना ना भाई भक्तों की बात है, जा सकते हैं। लेकिन जो अभी बृजभूषण सिंह ने जो बोला है ना वो सही बोला है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, मांगने के बाद ही जाना चाहिए वहाँ पे। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। बीजेपी से सांसद बृजभूषण सिंह ने चेतावनी दी है राज ठाकरे को, उन्होंने कहा है कि वो पहले उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे फिर ही अयोध्या में पधारे। क्या लगता है, क्या आप संतुष्ट हैं उनके इस ट्वीट से? नहीं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के जनता नहीं है, वो एक सांसद हैं, और सांसद पूरे प्रदेश का मालिक नहीं होता है, प्रदेश का मालिक वहाँ की पब्लिक होती है, और पब्लिक ने तो ऐसा बोला नहीं। इसके पहले राज ठाकरे जी ने भी कुछ दिन पहले यहाँ पे उत्तर भारतीयों को जाने के लिए बोला था, तो गए क्या? तो ये नेताओं का स्टैंड है, उससे पब्लिक को क्या लेना देना है, नेता अपने हिसाब से बोलते हैं। एक उत्तर भारतीय होने के नाते क्या कहना है आपका, क्या माफी वाकई में मांगना चाहिए? नहीं, मैं उत्तर भारतीय सिर्फ नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भारत को आप लोग विखंडित मत करो। केवल उत्तर भारत क्या है, उत्तर भारतीय क्या है, हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमारा पूरे भारत पे, भारत के एक एक कण पे हमारा अधिकार है। हम अपने आप को उत्तर भारतीय नहीं मानते हैं। भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए मनसे प्रमुख को? नहीं चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। उनका स्टैंड क्लियर है। ये सब राजनीतिक स्टैंड है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, उनको जाना चाहिए अयोध्या, और अयोध्या वासियों को उनके स्वागत में भी आना चाहिए। सांसद ने जिस तरह से ट्वीट किया बृजभूषण सिंह ने, कि पोस्ट किया है कि राज ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तर भारतीयों से, तभी वो पधार सकते हैं अयोध्या में, क्या कहना है इस विषय को लेकर? ये बहुत ही घटिया राजनीति है जो उन्होंने अभी स्टंट लिया है। जब भी उत्तर भारतीयों पर अत्याचार हो रहा तब का सोए थे या बांग्लादेश या असम चले गए थे? जब यहाँ का माहौल एकदम बढ़िया है, उत्तर भारतीय अच्छे से अपना कमा खा रहे हैं, तब इनको इस वक्त बोलने की ये ज़रूरत नहीं है कि उत्तर भारतीय कहाँ। फिर आज विजय भैया ने कहा कि हम लोग उत्तर भारतीय नहीं, हम लोग भारतीय हैं, और भारतीयों का हर जगह अधिकार है, हम लोग महाराज छोड़ के किसी कहने पे तो गए नहीं। तो वैसे राज साहब भी जा सकते हैं अयोध्या, अयोध्या जाके दर्शन करें, अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए एक अलग जगह है। आज तक वो सांसद, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? आज एक सीट भी महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख की एक सीट है, इसके बाद भी उन्होंने पूरे सरकार को हिला के रखा है और मजबूर कर दिया लोगों को कि सरकार काम करे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाए। जो आदमी एक सीट पे एक काम कर सकता है उसका बधाई के पात्र, उसका स्वागत करना चाहिए इनको, इनकी सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले वो उत्तर भारतीयों को निकालने की बात करते, आज अचानक से उनको अयोध्या जाना है, क्या कहना है? अचानक से नहीं जाना है, उनके बाबा दादा भी अयोध्या के लिए काम कर चुके, माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी अयोध्या के लिए काम किया, उन्हीं के पुत्र हैं ये, उन्हीं के पुत्र, अचानक से उनका प्रेम नहीं जागा है। इसके अलावा जिस तरह से राजनीति चल रही है पूरे महाराष्ट्र में, इस पर क्या कहना है? महाराष्ट्र की राजनीति, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है वो राज साहब करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो सरकार नहीं कर सकती एक आदमी अकेला करवा रहा है, वो संविधान के हित में काम करवा रहा है, ये कोई गलत काम नहीं है। माननीय राज साहब जी को अयोध्या जाना चाहिए,
बहुत सारे धर्मस्थल नेपाल में है, काठमांडू में है, दुबई में है, तो क्या वहाँ के जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? वो धर्म कर्म काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कई धर्मस्थल हैं, वहाँ भी लोग अनेक अनेक शहर से चल के आते दर्शन करने, किसी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। वो धर्म वहाँ राजनीति करने नहीं जा रहे, उनका विरोध करना चाहिए, वो जा रहे हैं धर्म का दर्शन करने, जो श्री राम भगवान का जन्मभूमि है उसका दर्शन करने जा रहे हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। अगर वहाँ पर राजनीति करने जाते तब इनको ये बात वहाँ उठाना चाहिए था। संसद ने पोस्ट किया है कि उत्तर भारतीयों से पहले माफ़ी मांगे मन से प्रमुख राज ठाकरे, तभी अयोध्या पधारें, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में माफ़ी मांगना चाहिए? देखो उस समय क्या था, राज ठाकरे मतलब उनके सत्ता में नहीं थे, और इसके वजह से कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ता में तो अभी भी नहीं अभी भी नहीं है, चलो ठीक है, मगर बात यह है कि अभी उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहले उतना वो नहीं उनको पता था कि हम को इस वजह से उन्होंने उत्तर भारतीयों को अगर बोले तो उस समय तो गलत किए ही, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात उत्तर भारती का ही सब कुछ है, और अगर वो जा रहे हैं अयोध्या तो गलत नहीं है, मगर हाँ ठीक है, अगर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं फिर भी यूपी के लोग उनका सम्मान करेंगे, और यूपी वाले जो भी चाहे जितना बड़ी गलती करें, मगर उत्तर प्रदेश ऐसा एक है कि मतलब यहाँ से जो भैया लोग सबको बोलते हैं, यहाँ के मराठी लोग भैया लोग सबको सम्मान करते हैं। तो सुना आपने, हमने उत्तर भारतीयों की प्रतिक्रिया ली, इनका कहना ऐसा है कि वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, ना कि कोई राजनीति। इसके अलावा एक ने कहा कि उत्तर भारती सभी का सम्मान करते हैं, उनका भी करेंगे, वो जरूर जाएं उत्तर प्रदेश। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।